ऑटो एक्सपो 2023 का आगाज हो चुका है। एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा देखकर। ये पीछे जो आप ट्रक देख रहे हैं, इसका नाम है फ्यूल सेल ईवी, FCEV। इसकी खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप 28 टन की लोडिंग कैपेसिटी कर सकते हैं। इसको आसान भाषा में समझाऊं तो एक हाथी का जो वेट होता है वो 2 से 7 टन का होता है, यानी 2 टन से 7 टन के बीच एक हाथी की साइज़ होती है। इसमें 28 टन की लोडिंग कैपेसिटी है, वो भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात जो चीज़ है वो मैं बताता हूँ, ये नाम में ही सबसे बड़ी चीज़ है, FCEV, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्यूल सेल क्या है वो दिखाता हूँ आपको ऊपर चल के। ये हम आ गए यहाँ पर, और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो टैंक देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन है, 25 किलोग्राम का हाइड्रोजन इसमें है। इस हाइड्रोजन से क्या होता है, इसमें जो फ्यूल सेल लगे हैं वो फ्यूल सेल हाइड्रोजन की मदद से बिजली को पैदा करते हैं। वो बिजली क्या करती है, यहाँ पर जो मोटर बैटरी को पावर देता है, बैटरी क्या करती है मोटर को पावर देती है, मोटर क्या करती है टायरों को चलाती है। कुल मिला के फिर से एक बार समझा देता हूँ, ये जो इस टैंक में हाइड्रोजन भरे हुए हैं, इसको फ्यूल सेल की मदद से इस हाइड्रोजन से बिजली बनाई जाती है। वो बिजली कहाँ स्टोर होती है, बैटरी में होती है, इन्वर्टर की तरह। इन्वर्टर बैटरी क्या करती है मोटर को एनर्जी देती है, यहाँ मोटर लगा हुआ है, मोटर क्या करता है पहियों को देता है। तो यहाँ पर आप जैसे मैं रैंप वॉक कर रहा हूँ, इतना भयंकर हैवी ये जो देख रहे हैं ये ट्रक है, इस पर आप 28 टन की कैपेसिटी को लोड कर सकते हैं। 28 टन यानी अगर 2 टन का एक हाथी है तो सोच लीजिए आप कितना कर दिया। 14 हाथियों को आप इस पर यहाँ पर ले जाके आराम से घुमाइए, सारे हाथी हाथी आपको दिखाई देंगे। बहुत ही कमाल की फीचर है। FCEV का मतलब ये है कि ना इसमें डीजल चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए, ना CNG चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बॉस। यहाँ पर एक बार ये भी खोलकर दिखा देता हूँ इसका कैबिन अंदर से कैसा है। कैबिन पर जाना मतलब कि पहाड़ चढ़ना एक है। ये देखिए मैं यहाँ पर कैबिन पर आ गया हूँ, तो यहाँ पर बैठे इंसान को ऐसा लगेगा कि वो कोई पहाड़ चला रहा है, कोई ट्रक नहीं चला रहा। बहुत ही कमाल की फीलिंग है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है भाई, मैनुअल भी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बहुत ही टेक फीचर नहीं है पर ठीक है, कैबिन बहुत बड़ा है। यहाँ पर पीछे सोने की भी जगह दी गई है। पीछे मैं कहूँगा हमारे कैमरामैन भाई साहब एक बार आए ऊपर, तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपको दिख जाएंगी एक बार अच्छे से। जैसा कि मैंने बताया कि इसको चढ़ना मतलब कि पहाड़ चढ़ने के बराबर है, तो हम कहेंगे हमारे कैमरामैन एक बार चढ़े ऊपर, मज़ा लें, तब मज़ा आएगा। स्टेयरिंग पर बैठने के बाद आप खुद देखिए, मज़ा आपको ऐसे लगेगा आप पहाड़ चला रहे हो, टर्मिनेटर चला रहे हो। कैबिन कितनी बड़ी है, बैठो, पीछे सोने के लिए भी जगह दे दी गई है कि भाई साइड में लगाओ, आराम से नींद का मज़ा लो। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दे दिया, क्या चाहिए यार, क्या चाहिए, सब कुछ तो दे दिया। डीजल पेट्रोल सब की कहानी ख़त्म, CNG भी नहीं चाहिए। हाइड्रोजन से बिजली बनाओ, बिजली से गाड़ी चलाओ, सारी चीज़ें ख़त्म। यही है फ्यूचर, फ्यूचर में आ गए हैं, प्रेजेंट हो गया है फ्यूचर, फ्यूचर ख़त्म, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में सारी चीज़ें बदल गई। एक साल के अंदर देखिए ऐसी बसें आपको, ऐसी ट्रकें आपको भारत के कोने कोने में देखने लगेंगी। पसंद आए वीडियो तो कमेंट में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। चलते हैं, नमस्कार।